नमस्कार, आप देख रहे हैं News4Nation और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर लालू परिवार से सामने आ रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जिस लड़की से सगाई होने जा रही है वो लड़की गैर हिंदू है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल यानी 9 दिसंबर को सगाई करने जा रहे हैं और जिस लड़की से सगाई करने जा रहे हैं वो लड़की क्रिश्चियन है। इस लड़की का संबंध शरद यादव से है और ये शरद यादव की दूर की रिश्तेदार है। हैरानी की बात यह है कि इस लड़की ने आज से ठीक 2 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन करा लिया था और हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में चली गई थी। ऐसे में ये एक बड़ी खबर है सभी के लिए। और आपको यह भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त दिल्ली में हैं। वो अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अपनी माँ यानी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ अपनी बहन मीसा भारती के सरकारी आवास पर ठहरे हुए हैं। और लगातार ये खबर भी सामने आ रही है कि कल पूरा लालू परिवार एक साथ एकत्र होने वाला है सगाई के समारोह के लिए और ये सगाई का समारोह बेहद गुप्त भी रखा गया है। ऐसे में ये अपडेट सामने आई है कि ये जो लड़की है वो क्रिश्चियन है। ऐसे में ये लड़की कौन है इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। साथ ही साथ लालू परिवार में सगाई को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। ये सगाई कल होगी, लेकिन यह सगाई कल दिल्ली में कहाँ होगी, इस सगाई का वेन्यू क्या होगा और ये लड़की कौन होगी, ये अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई एक लंबे अरसे के बाद अब जाकर होने वाली है। इस दिन का पूरे राजद परिवार को बेसब्री से इंतजार था और अब वो दिन अब 24 घंटे के बाद आने वाला है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अपनी जिंदगी की नई पारी खेलने वाले हैं। जहां पर आपको यह बता दें कि तेजस्वी यादव ने बखूबी राजनीति में अपने कदम को रखा है, अपने पिता के नाम को और राजद दल को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अब इतनी कम उम्र में वो नेता प्रतिपक्ष भी बन चुके हैं। अब इतनी जिम्मेदारियों के बाद वो अपनी जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी निभाने के लिए भी परिपक्व हो गए हैं, जिस बाबत अब वो कल यानी 9 दिसंबर को सगाई करने जा रहे हैं। इसको लेकर पूरी खुशी की लहर राजद परिवार में देखने को मिल रही है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव अभी पटना में हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि तेज प्रताप यादव दिल्ली के लिए कब प्रस्थान करते हैं। लगातार सूत्रों के हवाले से यह खबर तो आ रही है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार कर सगाई समारोह में शामिल होने जा रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी सिंगापुर से सगाई के लिए कल दिल्ली आएंगी और क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी सगाई समारोह को लेकर, वो लड़की कौन होगी, सगाई कहां होने जा रही है और क्या कुछ तमाम तैयारियां चल रही है लालू परिवार के भीतर खाने, इसकी भी अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे News4Nation में। नमस्कार।